हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक टिप्स डीएमएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में, जैसा कि आजकल क्या है कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, महिलाओं क्या लड़कियों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जो माताएं बहन होती हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, जैसे कि सफ़ेद पानी की समस्या होना, गर्भाशय में सूजन होना, गर्भाशय में बहुत सारी समस्या होना, जैसे कि आज की मंथ सर्कल टाइम टू टाइम नहीं आना या आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसी के साथ साथ में क्या होता है, कुछ महिलाओं को ये होता है कि चिड़चिड़ापन, खून की कमी होना, चक्कर आना, वॉमिटिंग जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में मैंने सोचा कि कम से कम एक ऐसा हेल्पफुल वीडियो बनाऊं जो कि उन महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं को यानी कि इंटरनल यानी कि यूट्रस से संबंधित कोई समस्या होती है, तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करें, कौन सा ऐसा सिरप इस्तेमाल करें जिससे कि आगे उनको ये समस्या से निजात मिले। तो दोस्तों, आज मैं जिस सिरप के बारे में बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, उस सिरप का नाम है रत्नेश्वरी सिरप है। और रत्नेश्वरी सिरप के मैंने फायदे तो आपको बता ही दिए हैं, इंग्रेडिएंट्स की अगर बात कर ली जाए तो यानी कि इसको किन किन घटकों से मिलाकर किसको तैयार किया गया है, तो दोस्तों इसमें रसौत है, सतावर, अश्वगंधा, अजवाइन, आंवला, अशोक छाल, पठानी लोध, बिदारी कंद, रक्त चंदन, मोच रस, पुनर्वा और सकरा, सोडियम बेंजोएट भी है। तो ये ऐसे इतने इंग्रेडिएंट्स से मिला करके यानी कि इस रत्नेश्वरी सिरप को तैयार किया गया है। अब दोस्तों बात की जाए कि ये किस कंपनी ने बनाया, यानी कि समर्पित कंपनी ने इसको बनाया है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि जो रत्नेश्वरी सिरप है इसमें आप देख रहे हैं फ्री 20 कैप्सूल्स होते हैं, यानी कि 20 कैप्सूल इसके साथ उनको फ्री मिलते हैं। और खाने का तरीका मैं आपको बताई दूंगा। तो जिन महिलाओं को अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, पेड़ों में दर्द रहता है, यूट्रस दिक्कत है, या फिर यूट्रस में स्वेलिंग वगैरह रहती है, महीना खुलकर नहीं आता है, या फिर वो महिलाएं जिनको महीना बहुत ज़्यादा आता है यानी कि इससे पहले हो जाता है, तो उस कंडीशंस में अगर आप इसका यूज़ करती हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। और इसी के साथ साथ में क्या होता है, ये खून की कमी को पूरा करता है, चिड़चिड़ापन जो महिलाओं में रहता है वो दूर करता है, पेड़ों पर दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, कार का ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो उस कंडीशंस में अगर आप इसको यूज़ करेंगी तो ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट होता है। इसका विशेष तौर पे देखा जाए तो एक हेल्थ सिरप माना जाता है महिलाओं के लिए। बताता हूँ, एक एक कैप्सूल आप दिन में दो टाइम ले सकते हैं खाना खाने के बाद, और बाकी दो दो ढक्कन आप सुबह शाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका खाने का लेने का तरीका है, और बाकी की जानकारी आप किसी डॉक्टर से लें, क्योंकि दोस्तों बिना किसी डॉक्टर के परामर्श से कभी भी यूट्यूब से संबंधित दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी अगर बात की जाए तो इसमें 160 रुपये का ये मार्केट प्राइस है, 200 ml की बॉटल होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।